क्या हमारी किस्मत हाथों की लकीरों में लिखी होती है, मतलब पास्ट कर्मों के हिसाब से प्री डिटरमाइंड होती है, या अपनी कहानी इंसान खुद लिखता है? इस सवाल का जवाब श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता चैप्टर 18 श्लोक 13-14 में बताते हैं, जिसे आज रामायण और गीता एक साथ सीरीज के एपिसोड 4 में रामायण की दो कहानियों के माध्यम से समझते हैं। जब श्री राम को वनवास मिला और उन्होंने बिना किसी विरोध के उसे अपनी किस्मत मान के स्वीकार किया, तो लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैंने अपने पुत्र होने के सभी कर्तव्यों को पूरे एफर्ट से निभाया, इसके बाद भी अगर मुझे वनवास मिला है तो मुझे इसे अपना भाग्य समझ के खुशी से स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरे किस्से में जब माँ सीता को रावण ले जाता है और श्री राम बहुत निराश होकर लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम्हें सीता को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, तो लक्ष्मण सेम बात श्री राम को कहते हैं कि मैंने अपने कर्तव्य को पूरे एफर्ट से निभाया और आपने भी वही किया जो सही था, तो इसके बाद भी अगर माँ सीता आज हमारे साथ नहीं है तो ये हमारी किस्मत है। श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर 18 श्लोक 13-14 में बताते हैं कि किसी भी काम का रिजल्ट 5 बातों पर निर्भर करता है। आपका शरीर, आपकी सोल, आपकी सेंसेस, ये सब मिलकर कितना एफर्ट्स कर रहे हैं लक्ष्य तक पहुंचने के। और आखिरी पर सबसे जरूरी एलिमेंट, जिसे लक, किस्मत, डेस्टिनी, डिवाइन इंटरवेंशन कह सकते हैं, वो आपका साथ देता है कि नहीं। एफर्ट्स पूरे हैं और लक भी साथ है तो सफलता तय है। भगवद गीता को ऐसे ही कहानियों के माध्यम से समझने के लिए फॉलो जरूर करें।